पाकिस्तान जो बंदे वेल सर, मेरा क्वेश्चन सर अदनान से है कि पहले पुराने म्यूजिक होते थे फोक म्यूजिक वगैरह और अब न्यू जनरेशन के म्यूजिक आए हैं, तो आप इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब से मैं पैदा हूँ मैं फोक म्यूजिक मेलोडी सुन रहा हूँ। हमारे पिछले बुजुर्ग जो हमारे बुजुर्ग जो है आप लोगों ने भी सुनते हो, हमारे वालदेन ने भी सुने हुए फोक, फोक विल नेवर डाई। तो सबसे पहला डिफरेंस वही है। और आजकल का म्यूजिक ऑब्वियसली जो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो भी कर रहे हैं, वो भी सीख है, लेकिन उसका टाइम पीरियड बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। क्यों? कनेक्शन नहीं है ना उसका, हमारे रूट्स के साथ जुड़ा नहीं हुआ। वो क्या मतलब? वो जो हमारा नया म्यूजिक है, अगर जेन जी का म्यूजिक अगर देखा जाए वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, लेकिन वो वेस्टर्न म्यूजिक से इंस्पायर्ड वेस्टर्न है। मैं स्पेसिफिकली मेलोडी की बात करूं, मेलोडी की बात करूं, मैं म्यूजिक की बात नहीं कर रहा। म्यूजिक होता है जिसमें आप ड्रम्स और बाकी चीजें बजी होती है, वो डेफिनेटली आज का ज्यादा बेहतर है। ठीक है, साउंड जिसे साउंड कहते हैं वो ज्यादा बेहतर है आज का। लेकिन अगर मुझसे मेलोडीज पूछेंगी जिसे हम धुन कहते हैं, वो 300 साल से चली आ रही है, फोक विल नेवर डाई। अरे ब्यूटीफुल, फोक बाजी आज तक नहीं बंद होनी। साडे ता बेड़े ताना तड़ींदा, साडे ता बेड़े ताना तड़ींदा, लाड़े दा प्यो ता काना दखींदा, बे लजे ओ लज तुहानू नहीं। नाल बाजी किद्दां पैंदा हुंदा सी विच किद्दां इहो जी माई एवं तड़फन रही हुंदी सी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर मैं हम सब ने रंझा रंझा कर दी जो आपका ड्रामा है वो बहुत शौक से देखा और हम सबको आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी वो एक्टिंग करके दिखाएं। क्या सुनना चाहेंगी, माँ से जो बात करता है या नूरी से या किस से? क्या सर वो चाची नहीं होती जो तेरा मुँह ना तेरा मुँह बेटा कैसे है, तरबूज जैसा तरबूज। ठिकूड़े ने जा अगला सवाल कौन करना चाहता है जनाब? मेरा सवाल है आपसे, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। मेरा एक शेर है आपके लिए। मैं ताबेदार। बदला कैसे लूं तुमसे? हैं? बदला कैसे लूं तुमसे, आज भी हंसते हुए अच्छे लगते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए, आप कैसे, तबीयत कैसी है, क्या खाया आज? अल्लाह पाक करम है बड़ा। क्या खाया आज? आज फिलहाल अभी तक कुछ नहीं खाया मैंने। अच्छा, सेम टू यू है। मैंने भी यही किया, इधर से भी आ निकली है। क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा सर अदनान से क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। कौन सा सिंगर है जिसकी आवाज आपके दिल को छूती है? आए मैंने बहुत ज्यादा सुना है सोनू निगम जी और नुसरत फतेह खान साहब को बहुत ज्यादा सुना है, कैलाश खेर को बहुत सुना है। क्या हुआ? ये ऑब्वियसली आवाज अच्छी लगती थी तो सुना है। आतिफ असलम साहब को बहुत सुना है, तो बस जो अच्छा गीत होता है वो खुद ब खुद ही दिल में उतर जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा हंस रही है आप? बस आपको देख के हंसी आ रही है। Thank you. जी आप क्या पूछना चाह रही है? सर मैं अदनान सर से पूछना चाह रही हूँ कि इनका नया गाना कौन सा आ रहा है? I'm working on my album. अरे अब पूरी एल्बम इंशाल्लाह रिलीज करेंगे, जिसमें जो मेन टाइटल है वो कहानी बदल गई, क्योंकि कहानी बदल गई, आपकी भाई की कहानी बदल गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए मुंडा ते तताए। वो अपना शो होस्ट कर रहे हैं। क्या हाल है आपका सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या? कायद एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स से बीए कर रहा हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। किस शहर से? यहाँ लाहौर से ही है या पढ़ने के लिए आए हुए? नहीं मैं लाहौर से ही हूँ। गुड। क्या बनना चाहते हैं? फिलहाल तो यूके का प्लान है, आगे देखें क्या होता है। यूके बनना चाह रहे हैं? यूके जाने का प्लान बीए कर रहे हैं ते पूछे है कि क्या बनना चाहते हैं, तो कह रहे हैं यूके दा प्लान। यूके जाने का प्लान है। जवाब है जी, गहरा जवाब है। मैं डूब गया। ओ पाजी, ओ जब मुंडा यूके जाके फिर घर फोन कर रहा है,
अबू आई एम यूके आई एम भूखे। क्या कहना चाहते हैं सर? इमरान भाई मेरा आपसे एक सवाल है, आपने रांझा रांझा कर दी ड्रामा में जो भोले का करेक्टर किया था उसमें आपका एक डायलॉग था कि आ आ तुझे कबूतर दिखाऊं, तो मैंने मेरा सवाल ये है कि वो क्या था, वो असली का कबूतर था या कोई और चीज़ थी? शो के बाद मेरे साथ चलिए। मैं आपको छत पे एक पिंजरे में लेके जाऊंगा, मैं आपको कबूतर दिखाऊंगा सर। क्या आपके लिए बहुत बहुत ताली। अदनान साहब, जनाब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका सर, आप मेहमान बने, हमारे मज़ाकरात पे आए, क्योंकि जब वक्त बहुत अच्छा चल रहा होता है आयशा सगावत साहब जी, तो उस वक्त इंसान वैसे ही हवाओं में होता है। आपका गाना इतना हिट है इस वक्त कि आप ये कह सकते हैं कि मैं किसी भी जगह जाने से इनकार कर सकते हैं। जहाँ आप सालों से भी जा रहे हैं आपने हमें इज्जत बख्शी। नहीं, आपसे हमें बहुत प्यार है, इन सब लोगों से बहुत प्यार है जी। मैं क्यों, हमारे लिए बड़ी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई की बात है कि हम इधर आए, मैं इधर आया हूँ और आप लोगों के सामने परफॉर्म किए। खुदा करे आप, आपके प्यारे किसी की भी जिंदगी में कभी कोई गम ना आए। आमीन। खुश रहिए हमेशा। थैंक यू वेरी मच।